उपादाय तम गौतमम नमामि। परम श्रद्धेय पूज्य रिंपोचे जी, प्रोफेसर कृष्णनाथ जी, प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर तिवारी जी, प्रोफेसर समतानी जी, प्रोफेसर मिश्रा जी, और यहाँ इस सभा में आज के विशेष अवसर पर, पुण्य अवसर पर पधारे हुए अतिथिगण और भूतपूर्व छात्रगण एवं हमारे छात्र एवं छात्राओं, समय बहुत हो चुके हैं, इसके बाद भी कार्यक्रम हैं, लेकिन मेरे सामने एक चुनौती है कि इतने एक विशाल विषय को बहुत ही 5 मिनट में बोलना या 10 मिनट में बोलना, ये एक चुनौती है। मैं प्रयास करूंगा कि बहुत ही कम समय में बोलकर अपना वाणी समाप्त करूं। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण एवं पुण्यतिथि, जिस दिन हमारे रिंपोचे जी का जन्म हुआ है, उसी सातत्य में 75वां जन्मतिथि हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर आनंद भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है। आनंद इसलिए हो रहा है कि 75वां जन्मदिवस हम लोग मनाने का अवसर मिला। दुख इसलिए हो रहा है कि वयोवृद्ध हो रहा है। रिंपोचे जी के जीवन कृति को यदि हम संक्षेप में अवलोकन करें, तो जैसे हम अरहत को हम कृत्य कृत्य कर कहते हैं, छाचुंबा छावा छेबा, कृत्य कृत्य इसलिए कहते हैं कि अरहत जितना भावनीय है वो भावना कर चुके हैं, जितना प्रहानीय है उसे प्रहान कर चुके हैं, जितने प्राप्तव्य हैं वो प्राप्त कर चुके हैं, अब उनके पास कुछ कृत्य नहीं है। इसी प्रकार रिंपोचे जी ने अपने जीवन में एक शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से अपने जितने भी कृत्य हैं उसे संपन्न किए हैं। इसे एक जीवन सफल माना जाता है और बिल्कुल एक शब्दशाह कृत्य कृत्य हैं रिंपोचे। रिंपोचे परम पावन दलाई लामा जी और हमारे करीब 1 लाख के तिब्बती शरणार्थी भारत में आने के बाद परम पावन जी के हाथ के भोज को हल्का करने के लिए फिर अपने पूरी जीवन समर्पित किए थे, और तब से लेकर के परम पावन जी के आदेश अनुसार 1960 से लेकर के, जैसे हम लोगों को सुनाया गया था कि मैं आवृत्ति नहीं करना चाहता हूँ, कि अध्यापक के रूप में काम किए थे और फिर स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में भी काम किए थे, और फिर यहाँ आ कर के और इस संस्थान, जो कि बिल्कुल उस समय शैशव काल था, बहुत ही शैशवी काल था, इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे उस समय और कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं थे। जब मैं आया था 1971 में, तो उस समय संस्थान की कक्षाएं संपूर्ण आनंद के बुद्ध कक्ष के इर्द गिर्द में चल रहा था, तो मैं एक बालक होने के साथ साथ उत्सुकता भी रखती थी। तो फिर रिंपोचे जी के ऑफिस के ये खिड़की से मैंने झांका, तब देखा कि एक कमरे, छोटा सा कमरा था, उसको अलमारी से विभाजित करके एक और रिंपोचे जी रहते थे और एक और उनके पीए रहते थे। तो मुझे लगा कि क्योंकि जिस स्कूल से मैं आया था उस स्कूल में भी हमारे हेडमास्टर एक अलमारी के बंटवारा से उन एक जगह हेडमास्टर रहते थे और एक जगह उनके सेक्रेटरी रहते थे। तो मुझे एक बालक होने के नाते ऐसे लगा कि शायद स्कूल के प्रशासनों को इसी तरह रहना होता होगा। तो लेकिन फिर इस तरह से
फिर कई साल चला और धीरे धीरे फिर आपके विवेक से और आपके क्षमता के आधार पर धीरे धीरे फिर ऑटोनोमी मिले, फिर इसके बाद और कई प्रकार के विकास हुआ और साथ साथ फिर एक यहाँ जमीन, नए ज़मीन पर आए हम लोग, यहाँ निर्माण हुआ और साथ ही साथ फिर शिक्षा व्यवस्था हुई, अन्य अनेक प्रकार के एक जो ढांचा थे उस सब का निर्माण हुआ और अंततोगत्वा 1988 में फिर एक ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। और इस संस्थान में जैसे रिंपोछे जी ने एक व्यवस्था बना रखा था जिसमें परम पावन जी का मार्गदर्शन था, जिसमें परम पावन जी के साथ साथ अनेक लोगों का भी मार्गदर्शन था और भारतीय सरकार के भी, जैसे कपिला वासन जी का भी योगदान था, लेकिन मूल रूप से रिंपोछे का ही एक इसमें प्रयास था और उनका परिश्रम था। और इस संस्थान में एक शैक्षणिक क्लासेस शिक्षा के साथ साथ फिर एक रिसर्च डिपार्टमेंट खोल करके जिसमें रिस्टोरेशन और ट्रांसलेशन की एक प्रचलन शुरू किया, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण, एक इतिहास में बहुत ही, न केवल इस विश्वविद्यालय के इतिहास परंतु संपूर्ण भारतीय इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि यह एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए परंतु एक भारत के, संपूर्ण भारत के संस्कृति का पुनरुद्धार की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो यहाँ संस्कृत के जिस ढंग से पुनरुद्धार हुआ है, आज तक करीब 70-80 ग्रंथों का हम लोगों ने पुनरुद्धार किया है, अभी भी बहुत ही अधिक करना है क्योंकि 5000 से भी अधिक ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती भाषा में है। और इस परंपरा, ये परंपरा नालंदा विक्रमशिला तक्षशिला प्रमुख रूप से नालंदा परंपरा से संबंधित है और वो परंपरा आज संपूर्ण विश्व में कहीं भी नहीं है, केवल तिब्बती समुदाय में ही ये उपलब्ध है। इसको भारत में पुनरुद्धार के रूप में और यहाँ लाने की जो प्रयास हुआ है, प्रारंभ हुआ है, ग्रंथों के अनुवाद पुनरुद्धार के साथ साथ हिंदी में, संस्कृत में उद्धार के साथ साथ हिंदी में अनुवाद करके जन साधारण को राष्ट्रीय भाषा और ये हिंदी भाषा लोक भाषा में प्रस्तुत करने का भी प्रयास यहाँ शुरू किया गया। इसके साथ साथ उसमें सहयोग के लिए, उसकी समर्थन के लिए या उसके कार्य के लिए कोष के निर्माण का भी यहाँ एक डिपार्टमेंट खोला गया जिसका भी बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारे दुर्लभ ग्रंथों का यहाँ ये ढेर जो है लाइब्रेरीज में पड़ा रहता है और निजी कलेक्शंस में पड़ा रहता है, वहाँ वहाँ से हम लोग संकलित करके यहाँ फिर उसका सही ढंग से एक अच्छी तरह से विद्वत्तापूर्व और वैज्ञानिक तथा आज के रिसर्च के पद्धति से हम उसे वो करते हैं, संपादन करके प्रकाशित करते हैं, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से एक रिसर्च के काम के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में देखा जाए तो ये, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण कार्य है। इसके साथ साथ भारतवर्ष में एक अवेयरनेस लाने के लिए बौद्ध धर्म के दर्शन के, मैं जब छात्र था उस समय भी मुझे याद है कि नागार्जुन के दर्शन पर सेमिनार्स होता था, कि अनेक विषयों को लेकर के सेमिनार्स हुआ करता था, उस समय इतना अवेयरनेस भारत में नहीं था बौद्ध दर्शन के बारे में। तो इसको लेकर के मैं समझता हूँ कि पुनः भारत में परम पावन जी के आगमन के साथ साथ हमारे तिब्बती विद्वान, सैकड़ों विद्वान आने के साथ साथ इस ये संस्थान की स्थापना से भारत में शैक्षणिक विशेष योगदान दे करके और प्राचीन भारत के विद्या को फिर से लाने के लिए बहुत ही योगदान हुआ है।
और रिम्पोछे के यहाँ डायरेक्टर के रूप में रहते हुए फिर तिब्बती प्रवासी सरकार के पार्लियामेंट के स्पीकर चुना गया था ये, और उसी तरह से फिर वहाँ एक लोकसभा में या पार्लियामेंट में जिस ढंग से एक बहुत ही नियमतः और गणतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से ला करके फिर एक बहुत ही योगदान दिए, इसमें आपने भावी तिब्बत के संविधान का भी पुनर्निर्माण किया था जिसमें आपका योगदान बहुत ही है। और इसके साथ साथ एग्जाइल टिबेटन्स की जो एक चार्टर है उसका भी निर्माण समिति के सदस्य के रूप में आपने विशेष योगदान दिए। और इसके बाद फिर आप कलन छिपा जबकि प्रधानमंत्री के रूप में प्रशासन जब किए थे तो आपके सिद्धांत सत्य अहिंसा एवं गणतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर चलाने की जो एक परिकल्पना की थी, मैं समझता हूँ कि इससे एक नियमता है, एक गणतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप प्रशासन चलाया जिससे एक लोगों को लगने लगा कि प्रवासी तिब्बतियों की जो एक सरकार है वह सचमुच में एक सुचारू रूप से संचालित सरकार है, सरकार का एक मूर्त रूप देखने को मिला है। उसमें अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जिसमें से मैं समझता हूँ कि एक शिक्षा नीति निर्माण हुआ है वो आज भी लागू है और भी आगे आने वाले सदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। रिम्पोछे जी के बारे में जैसे प्रोफेसर रमेश जी ने कहा कि बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, सचमुच में हैं। विद्वत्ता के दृष्टि से देखा जाए तो आपके सूक्ष्म एवं गंभीर विवेक से संपन्न विभिन्न विद्या में पारंगत विद्वान होने के कारण इस संस्थान को एक बहुत ही अच्छा दिशा दे पाए हैं, और इसी के साथ साथ एक विद्वान और विवेकपूर्ण होने के वजह से एक प्रशासन भी एक राजनीति में भी बहुत ही विशेष योगदान दे पाए हैं। इसके साथ साथ विद्वत्ता के बल पर भारतवर्ष के विभिन्न संगठनों, विभिन्न शिक्षा संस्थानों, विभिन्न विश्वविद्यालयों को भी आपका लाभ मिला है। वैचारिक क्षेत्र में आपका बहुत योगदान है, मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में आपका गोष्ठियों में, मैं विशेष रूप से आज प्रोफेसर दयाकृष्ण जी का स्मरण आता है, तो दयाकृष्ण जी कहा करते थे कि जब समदोन रिम्पोछे आते हैं तो गोष्ठी का एक नया आयाम मिल जाता है। तो सचमुच है जब भी किसी मुद्दा को लेकर के, किसी विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं तो आपका अपना एक विशेष उसमें विचार होता है जो एक नई दिशा प्रदान करता है। और उसी प्रकार भारत में कृष्णमूर्ति जैसे विचारक हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और ये एक गंभीर विचारक हुए हैं, उनके साथ आपका संवाद भी हुआ है और उनके मत से भी प्रभावित हैं, और आज कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के विभिन्न संगठनों से आप जुड़े हुए हैं और वहाँ फिर आपका मार्गदर्शन एवं आपका ये विद्वत्तापूर्ण जो विचार है उससे लोग लाभान्वित हो रहा है। गांधी जी का विचार से भी आप बहुत ही प्रभावित हैं, सभी लोग जानते हैं रिम्पोछे जी बिल्कुल एक गांधी के विचार से संपूर्ण रूपेण प्रभावित हैं, और उसी में आपने जब ये राजनीति में आप था तो उस समय राजनीति में गांधी जी का विचार को लेकर के, गांधी जी के अनुसरण करके फिर अपने राजनीति के जो एक अभ्यास है उसको आगे ले जाने का भी प्रयास किया। जैसे उदाहरण के लिए आपने सत्याग्रह का भी एक परिकल्पना की, उस पर एक ग्रंथ की रचना भी की,
और उसी प्रकार गांधी जी के हिंद स्वराज का भी तिब्बती में अनुवाद करके उसे भी तिब्बती समाज में अवेयरनेस लाने का भी आपने प्रयास किया है। आज गांधी जी के विभिन्न संगठनों से आप जुड़े हुए हैं और आप गांधी जी के दर्शन से बहुत ही वो है गांधी जी के दर्शन से गंभीरतया आप ये ज्ञाता के रूप में माना जाता है और एक विचारक के रूप में लोग आपके विद्वत्ता से और आपके विवेकपूर्ण विचार से लाभान्वित हो रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि एक जैसे आपने बहुत ही कम उम्र में ही केशलहरम्बा का उपाधि प्राप्त किए केशलहरम्बा का उपाधि प्राप्त किए हैं जो सर्वोच्च शिक्षा हमारे मठों की शिक्षा प्रणाली में सर्वोच्च उपाधि माना जाता है। उसमें त्रिपिटक का अध्ययन होता है और उतना तक अध्ययन की प्रक्रिया समाप्त न करते हुए आगे भी अध्ययन करते रहें और इसलिए तीनों पिटक के विनय सूत्र और अभिधर्म का फिर अध्ययन करके आप अध्ययन संपन्न किए हैं, इसलिए त्रिपिटक के विद्वान हैं और फिर तीन शिक्षाओं से युक्त हैं। और जैसे तीन त्रिपिटक के जो विषय हैं विषय वस्तु है शील समाधि और प्रज्ञा उससे संपन्न है उससे युक्त है, इसलिए आपको क्योंकि बौद्ध शासन बुद्ध शासन किसको कहा जा सकता है, त्रिपिटक का अध्ययन एवं अध्यापन और इसके साथ साथ यदि त्रिशिक्षा का अनुपालन हो यही बुद्ध शासन कहा जाता है। जब कोई भी व्यक्ति त्रिपिटक के से युक्त हैं त्रिपिटक के विद्वान हैं और फिर त्रिशिक्षा से संपन्न है त्रिशिक्षा युक्त हैं तो उसे बुद्ध शासन के शासनधर कहा जाता है। इसलिए वास्तव में एक शाब्दिक शब्दशः शासनधर के रूप में हमें देखने को मिला है और आप जैसे व्यक्ति से संपर्क में आने के लिए मैं स्वयं को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपने पूरे तिब्बती समाज को और बौद्ध धर्म तिब्बती विद्या बौद्ध विद्या को जिस ढंग से अपने इस इतने 75 साल में जिस प्रकार का योगदान किए हैं इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं आपके ऋणी हैं और आपके चरण में हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और अंततः मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घ आयु रहें और अगले बार हम लोगों को शतायु पूर्ति का अवसर इस तरह प्राप्त हों और आयोजन करने का भी अवसर प्राप्त हों और जिस प्रकार आपने योगदान देते रहे इसी प्रकार समाज में शिक्षा में विद्या में तिब्बत के संघर्ष में और भी आगे जा कर के परम पावन जी के आकांक्षाओं को पूर्ति करने में आप निरंतर योगदान करते रहें यही हमारी कामना है प्रार्थना है। धन्यवाद।